बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कवर वेरियस एवोल्यूशनरी प्रेशर्स इन द मैमेलियंस। मैमल्स जो हैं वो नेचुरली तकरीबन तमाम दुनिया पे, तमाम कॉन्टिनेंट्स पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलेंगे, सिवाय एंटार्क्टिका के, और तमाम ही समंदरों में आपको ये मिलेंगे। तो इनके अंदर बहुत सारी अडेप्टेशन हैं, क्योंकि इनके हैबिटेट बहुत आपको पता स्प्रेड हुए हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली इनकी जो अडेप्टिव रेडिएशन हैं उसके अकॉर्डिंगली इनका एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन पे। इसमें स्किन को सबसे पहले देख लेते हैं। स्किन जो है मैमल्स की बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह एपिडर्मल और डर्मल लेयर्स पर ही मुश्तमिल होती है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्वेजन से, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन में इसका रोल होता है, सेंसरी परसेप्शन में भी, टच वगैरह ही, ठीक है, कोल्ड ये भी फीलिंग होती है, एंड देन एक्सक्रीशन में भी जो आप लोगों को पसीना वगैरह आता है, ठीक है, उसके अंदर भी इसका काफ़ी रोल है। और इसके अलावा वाटर रेगुलेशन के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब हेयर्स को देख लेते हैं। हेयर जो है आपके पास एक डेरिवेटिव है, कैरेटिनाइज डेरिवेटिव है स्किन का, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन का ही डेरिवेटिव है, और बेसिकली ये यूनिक है विद मेमेलियन, ठीक है। हेयर्स आपको यूनिकली सिर्फ मेमल्स में मिलेंगे, और बेसिकली ये मौजूद होता है स्किन के अंदर रिसीटेड लाइक इन इन्वेजिनेशन, जिसे हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, यानी कि जो आपके पास एपिडर्मिस के अंदर जहाँ पे हेयर लगे हुए हैं, ठीक है, वो पार्ट हेयर फॉलिकल कहलाता है। अब जो आपके पास कोट होता है हेयर्स का, उसको हम पीलेज कहते हैं। दो तरह के आपके पास बाल हो सकते हैं। एक आपके पास होते हैं लॉन्ग गार्ड हेयर्स, और दूसरे जो होते हैं आपके पास वो होते हैं डेंस होते हैं, शॉर्टर इंसुलेटिंग अंडर हेयर्स होते हैं। तो आपके पास गार्ड हेयर्स जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और शॉर्ट हेयर्स जो हैं आपके पास इंसुलेशन का काम कर रहे हैं। अब अगर हेयर्स को देखा जाए तो हेयर्स की कंपोजिशन में तकरीबन ज़्यादातर ये डेड सेल्स से मुश्तमिल होते हैं, इसलिए पीरियडिकली इनको मोल्टिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ मैमल्स लाइक हम इंसानों में मोल्टिंग जो है वो ग्रेजुअल होती है और पता नहीं चलता, यानी ऐसा नहीं होता कि एकदम से सारे बाल उतर जाएँ, तो ऐसा से साथ साथ उतरते रहते हैं। और जो दूसरे होते हैं कुछ मैमल्स, उनमें ये बहुत रैपिडली होती है, और इवन उनका जो पीलेज करेक्टरिस्टिक है वो टोटली चेंज भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉल के अंदर आपके पास बहुत सारे मैमल्स के ऊपर जो है थिक कोट जो है इंसुलेटिंग अंडर हेयर्स का आ जाता है, जिसकी वजह से उनका पीलेज कलर भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आर्कटिक फॉक्सेस जो होती हैं उनके अंदर ऑटम मोल जब आता है तो वाइट या क्रीम कलर का जो है उनका फर आ जाता है, और इसके बाद जो है जो कि उनको हेल्प करता है स्नो इन्वायरमेंट में छुपने वगैरह के लिए, कंसील करने के लिए। और इसके अलावा स्प्रिंग मोल्ट जब आता है तो आर्कटिक फॉक्सेस जो है उनका ग्रे या येलो पीलेज हो जाता है। इसके अलावा जो हेयर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सॉरी। और मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होती है हेयर्स की हवा या किसी वजह से, तो वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से नर्व सेल्स जो हैं जो कि उसकी रूट हेयर्स में मौजूद होते हैं वो जो हैं उसको स्टिमुलेशन मिलेगी और नर्व इंपल्स पास हो जाएगी, तो ये टच की फीलिंग फील कर लेते हैं। देन आपके पास गार्ड हेयर्स जो हैं वो समटाइम्स जो हमने पढ़े थे ना लॉन्ग गार्ड हेयर्स, वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू थिक शाफ्टेड हेयर्स, जिनको हम बर्बरिसी कहते हैं। बर्बरिसी जो है आपके पास वो लेग्स के इर्द गिर्द, नोज़ के इर्द गिर्द, माउस के इर्द गिर्द, आइज़ के इर्द गिर्द कुछ मैमल्स में होती है, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो रिचली आपके पास इनर्वेटेड होती हैं, सप्लाइड होती हैं विद नर्व्स, एंड बहुत सेंसिटिव होती हैं डिस्प्लेसमेंट को, ज़रा सी भी मूवमेंट की वजह से ये ईजीली नर्व इंपल्स पास कर सकते हैं। एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं हेयर शैफ्ट्स के अंदर, जिसमें से एयर ट्रैप हो जाती है उनके दरमियान में और हेयर स्किन के दरमियान में, जिसकी वजह से एक इंसुलेटिंग कवर मिल जाता है, इंसुलेटिंग लेयर मिल जाती है। इसके अलावा बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स, जिनको हम आपके पास अरेक्टर पिलाई मसल्स कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, चूँकि रन करते हैं बिटवीन दी हेयर फॉलिकल एंड एपिडर्मिस। जी यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं आपके पास ऑर्डर कार्निवोरा की एक स्पेसिमेन को डिस्कस किया गया, आर्कटिक फॉक्स, एलोपेक्स लैगोपस, विंटर पीलेज है इसमें, और इसमें फ़िलहाल आप देख सकते हैं विंटर्स में इस तरह का फर कोट आ जाता है, विंटर पीलेज, और बाद में स्प्रिंग में जब मोल्टिंग होती है तो ये फिर ग्रे और येलो कलर की हो जाती है फर इसकी, तो उसका पीलेज तब्दील हो जाता है। जी यही जो एरेक्टर आपके पास पिलाई मसल्स होते हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हेयर्स जो हैं वो स्ट्रेटन अप हो जाते हैं,
और जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ एयर जो है पीलिश के दरमियान में जो ट्रैप होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। तो आपके पास ये जो मसल्स हैं रेक्टर पिलाई मसल्स, ये होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये बिल्कुल वही सिस्टम है जैसे कि फाइट और फ्लाइट में रिस्पॉन्स में एनिमल्स में ये मैमल्स में होता है। जब थ्रेटनिंग की कंडीशंस होती हैं तो उस टाइम पे आपके पास हेयर्स जो हैं स्पेशली नेक या टेल के वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और यही रेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से, जिसकी वजह से परसेप्शन आती है इंक्रीज साइज और स्ट्रेंथ की, ताकि फिर जो उसका दुश्मन है वो उसके ऊपर रोक भी हो सके और वो उसे डर के भाग जाए, ठीक है, एक उसको स्टेबिलाई प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जी हम हेयर कलर को देख लेते हैं। हेयर कलर जो है डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ द पिगमेंट या मेलानिन जो उसमें डिपोजिशन इसकी होती है, या फिर हेयर शाफ्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ एयर। और पीले जो मोस्ट मैमल्स का वो डार्क होता है ऊपर से अबव, और जो आपके पास लाइटर होता है अंडरनीथ में, और ये जो पैटर्न है ये इसको लेस कंस्पिक्यूस बनाता है अंडर मोस्ट ऑफ द कंडीशंस। मोस्ट मैमल्स जो हैं वो एडवर्टाइज करते हैं देयर डिफरेंस एपोसोमेटिक वार्निंग कलरेशन, लाइक आप कंट्रास्टिंग मार्किंग्स ऑफ स्कंक जो है वो इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। अब हम पीलेज को देखते हैं। पीलेज जो है वो लार्ज मैमल्स में बहुत रिड्यूस होता है हॉट क्लाइमेट्स में लाइक एलिफेंट्स और हिप्पोपोटामस में, और इसके अलावा कुछ एक्वेटिक मैमल्स में भी लाइक वेल्स में, क्योंकि उसके अंदर हैवी फैटी इंसुलेशन ब्लबर होता है। इसके अलावा कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास नो पीलेज, ऑलमोस्ट नो पीलेज, ठीक है, उनके अंदर होते हैं जैसे नेकेड मोल रैट्स वगैरह। क्लॉज का जिक्र करते हैं बेटे, क्लॉज जो है वो प्रेजेंट होते हैं तकरीबन तमाम एमिनल क्लासेस के अंदर, और ये लोकोमोशन और ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव बिहेवियर में यूज़ होते हैं। क्लॉज बेसिकली एक्युमुलेशंस ऑफ केराटिन हैं जो कि कवर करता है टर्मिनल फैलिंग्स को यानी बोन्स को, डिजिट्स को, और कुछ मैमल्स में ये स्पेशलाइज होता है जहाँ पर ये नेल्स या हूव्स बना देता है, खुर वगैरह और नाखून वगैरह। और ग्लैंड्स की तरफ अगर हम आएँ तो ग्लैंड्स जो हैं वो एपिडर्मिस ऑफ द स्किन से डेवलप होते हैं, और इसमें सेबेशियस ग्लैंड कॉइल ग्लैंड भी कहते हैं, ये हेयर फॉलिकल्स के साथ होते हैं और ऑयली सिक्रेशंस सिक्रेट करते हैं जो कि लुब्रिकेट करती है, वाटर प्रूफ करती है स्किन और हेयर्स को। कुछ मैमल्स के अंदर आपके पास डोरीफेरस या स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, सूडोफेरस ग्लैंड्स को आप एक्राइन ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, और ये वाटरी सिक्रेशंस रिलीज़ करते हैं जो कि एवेपोरेटिव कूलिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है। जैसे आपके पास एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे आपके पास एपोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि लार्जर सुडोरीफेरस ग्लैंड हैं, वो थोड़े से स्मॉलर सुडोरीफेरस ग्लैंड हैं और ये लार्जेस्ट हैं, वो सिर्फ वेपोरेटिव कूलिंग के लिए होते हैं, और ये जो है आपके पास सिक्रीट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट यूरिया एंड वाटर, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ओडोरस प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से वो स्मेल नहीं आती पसीने की वजह से, ये वो वाली चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कुछ सेंट और मस्क ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि फेस के अराउंड, फीट के अराउंड या फिर एनस के अराउंड होते हैं मैनी मैमल्स के अंदर, और ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं फेरोमोन्स जो कि डिफेंस स्पीशीज सेक्स रिकॉग्निशन एंड टेरिटोरियल बिहेवियर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेमोरी ग्लैंड जिसकी वजह से हम मैमल्स कहते हैं इनको, मेमोरी ग्लैंड जो है फंक्शनल होते हैं फीमेल मैमल्स में और प्रेजेंट होते हैं मेल्स में बट नॉन फंक्शनल होते हैं। मिल्क सिक्रीशन होती है इसमें से, और मिल्क ग्लैंड या मेमोरी ग्लैंड जो हैं आपके पास सिक्रीट करते हैं जो सिक्रीशन उसके अंदर मौजूद होते हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली लैक्टोज होगा, फैट्स होंगी, प्रोटीन्स होंगी, मिनरल्स होंगी एंड एंटीबॉडीज होंगी। मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो डिराइव हुए हैं मोस्टली एपोक्रीन ग्लैंड से, और इसके अंदर सब्सटेंशियल फैटी एसिड के डिपॉजिट्स भी होते हैं, ऐसे एपोक्रीन ग्लैंड जिनके अंदर सब्सटेंशियल फैटी एसिड के डिपॉजिट हो तो वो मेमोरी ग्लैंड्स बन जाते हैं। अब मोनोट्रीम्स जो हैं, मोनोट्रीम्स के मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर निपल्स नहीं होते हैं, और उनके जो ग्लैंड्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं मिल्क इनटू डिप्रेशन ऑन द बेली जिसके ऊपर यंग लैपअप हुआ हुआ होता है। और मैमल्स जो हैं मेमोरी ग्लैंड्स उनके जो नॉर्मल अदर मैमल्स हैं उनके अंदर निपल्स होते हैं और टीथ्स होती हैं जो कि यंग वन जो है ना सक करते हैं फॉर देयर नरिशमेंट वहाँ से मिल्क, ठीक है जी। जी अब हम देख लेते हैं स्कल और टीथ को। स्कल्स जो मैमल्स के हैं वो इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेप्टिलियन पैटर्न। एक जो फीचर है जो जूलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रेप्टिलियंस को मैमिलियन स्कल से, वो है आपके पास जॉ आर्टिकुलेशन का, यानी जॉ कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, हैंग आउट करते हैं या अटैच होते हैं।
रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि जॉ आर्टिक्रेट करते हैं टू स्मॉल बोन्स जो रियर एंड ऑफ द जॉ, यानी रियर एंड ऑफ द जॉज के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं दो छोटी हड्डियाँ, उसके ऊपर आर्टिकुलेशन होती है। लेकिन मैमल्स में ऐसा नहीं होता, मैमल्स में ये जो बोन्स होती हैं ये मूव कर जाती हैं मिडिल ईयर की तरफ, और जहाँ पे ये स्टेपीज के साथ मिलके थ्री मिडिल ईयर ऑसिकल्स बना देती हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बोन प्रेजेंट है जो कि लोअर जॉ की है, ठीक है, और उसी से आर्टिकुलेशन होती है मैमल्स के अंदर। जी मज़ीद इसको डिस्कस करने से पहले बेटे ये दो फिगर्स हैं इनको हम एलेबोरेट कर देते हैं। फिगर 22.7 देख लें, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉ नेल्स एंड हुक्स डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले ए फिगर देखें, इसमें आपको क्लॉज दिखा रहे हैं, ठीक है, और बी फिगर में आपको नेल्स दिखा रहे हैं एंड सी में हुक्स दिखा रहे हैं। तो ए को देख लेते हैं पहले सबसे। जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिजिट्स हैं उसके ऊपर जो है ना कवरिंग है कैरेटन की, जिसकी वजह से एक क्लॉज शेप बन रही है। एक तरफ आपको इसका साइड पोर्शन लेटरल साइड दिखाई हुई है, ठीक है, और एक तरफ आपको इसका वेंट्रल साइड दिखाई हुई है, फर्स्ट में वेंट्रल साइड और ये आपके पास दूसरी इसकी लेटरल साइड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटे बी में, बी में आपको नेल्स दिखाए हुए जो कि फ्लैट होते हैं और आपके पास हैंड्स और नेल्स पे होते हैं और अडेप्टेशन है, ठीक है, वेरियस पर्पसेस के लिए। और अब हम आ जाते हैं हूव्स पे बेटे। हूव्स जो हैं आपके पास वो करेक्टरिस्टिक्स हैं एंगुलेट मैमल्स के, और नंबर ऑफ टोज जो हैं इसमें रिड्यूस हो जाते हैं, और ये वजह है कि एनिमल्स वॉक या रन ऑन देयर टिप्स, ठीक है, रिमेनिंग डिजिट्स के ऊपर। और यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक जो है आपके पास वो है अंगस, और दूसरी जो है आपके पास वो है सब अंगस। अब ये अंगस और सब अंगस क्या चीज़ होती है, क्या वजह है? अंगस और सब अंगस ये आपको दो कलर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ये आपके पास डार्क कलर जो है दैट इज़ अंगस, और ये जो लाइट कलर है दैट इज़ सब अंगस। ऐसे इसकी साइड पोर्शंस पे भी आपको ये सेम चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, ऊपर आप नेल्स में भी चलते जाओ और क्लॉज में भी सेम लाइक दैट। अंगस क्या है जी? अंगस इज़ हार्ड क्रिटिनाइज डॉर्सल प्लेट, और ये डॉर्सल साइड जो है वो अंगस होगी, वो हार्ड होगी, सख्त प्लेट होगी, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है नेल्स का वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, वेंट्रल प्लेट, जिसको हम सब अंगस कहते हैं। कभी आपने बहुत ज़्यादा नेल्स अंदर की तरफ काट लिए तो कितना पेनफुल होता है, ठीक है, फ्रंट में नेल्स काटना इतना मुश्किल नहीं है, उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन नेल काटते करते आप बहुत अंदर की साइड पर चल जाए तो वो अंदर वाला नेल जो है वो दर्द करता है, वो सॉफ्ट प्लेट होती है। अब हम देख लेते हैं फिगर 22.8, इसमें मेमोरी ग्लैंड्स को डिस्कस किया गया है। इसमें बेटे आप देख लें नंबर सबसे पहले ए पे देख लें, इसमें ह्यूमंस का शो किया गया है मेमोरी ग्लैंड, इसमें आपको फैट डिपॉजिट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मसल्स दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं। इसके अलावा ये जो हैं ये आपके पास मिल्क डक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास मिल्क डक्ट्स हैं, और नेक्स्ट जो है आपके पास सेबेशियस ग्लैंड हैं जो कि इसको कवर कर रहे हैं, एंड देन आपके पास एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स हैं। तो एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो आपने देखा ये हैं सारे के सारे, यहाँ से फिर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और थोड़े टाइम के लिए स्टोर भी हो जाता है इनटू द मिल्क डक्ट्स, और उसके बाद फिर ये जो निप्पल है यहाँ से बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं और यहाँ से फिर इजेक्शन हो जाती है मिल्क की, जब बेबी सक करता है हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से मिल्क रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पर बी फिगर में आ जाएँ बच्चे, बी फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा है एक कैटल का मेमोरी ग्लैंड, इसके अंदर आप देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं, ठीक है, और एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स भी नज़र आ रहे हैं आपको। थोड़ा सा चेंज जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इसके अंदर सेस्टर्न प्रेजेंट है। अब जो सेस्टर्न है जो कि एपिडर्मिस से कवर्ड होता है वो मौजूद होता है इसके अंदर, जो कि वो ह्यूमंस में नहीं होता, ठीक है। अब वो क्या करता है आपके पास, वो एक बनता है कॉलर ऑफ द स्किन से, ठीक है, नेमी डक के साथ में, और वो वहाँ पे थोड़ा सा मिल्क सिक्रेशन के लिए या कह लें मिल्क के क्या कहते हैं स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। और नंबर ऑफ निपल्स या टीथ्स जो हैं वो वेरी करते हैं विद नंबर ऑफ की यंग वन प्रोड्यूस्ड। चलिए जब हम नेक्स्ट फॉलो करते हैं, तो पैलेट जो है बट यहाँ पर सेकेंडरी पैलेट जो है वो इवॉल्व होता है आपके पास वर्टिब्रेट्स के अंदर, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे दो दफ़ा वॉल्व हुआ है वर्टिब्रेट्स के अंदर, एक दफ़ा जो है आपके पास आर्कोसोर लीनिएज के अंदर है और दूसरी दफ़ा आपके पास साइनेप्साइड लीनिएज के अंदर है। अब आर्कोसोर और साइनेप्साइड लीनिएज के अंदर आप लोगों ने इसकी डिटेल जो है वन बाई वन जो हम पिछली दफ़ा पढ़ के आते रहे हैं, लास्ट चैप्टर्स उसके अंदर कुछ ना कुछ आपने देखा भी है।
थेरेपसीज का अगर जिक्र करते हैं तो उसके अंदर स्मॉल आपके पास शेल्फ लाइक एक्सटेंशन बोन की होती है जिसको हम हार्ट पैलेट कहते हैं, और जो कि पार्शली सेपरेट करते हैं नेजल एंड ओरल पैसेजेस को। जबकि मैमल्स के अंदर आपके पास सेकेंडरी पैलेट एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली एक सॉफ्ट फोल्ड ऑफ द स्किन के साथ जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, और जो कि कम्प्लीटली सेपरेट कर समवट कम्प्लीटली सेपरेट करता है नेजल पैसेजेस को फ्रॉम द ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। अच्छा जी, दूसरे वर्टिब्रेट्स जिस तरीके से स्वेलो करते हैं फूड को एज अ होल या स्मॉल पीसेज में, लेकिन मैमल्स जो हैं आपके पास अक्सर मैमल्स जो हैं वो च्यू करते हैं अपना फूड, और जो एक्सटेंसिव सेकेंडरी पैलेट है वो अलाउ करता है मैमल्स को टू ब्रीद ड्यूरिंग द च्यूइंग, ठीक है। और ब्रीदिंग जो है स्वेलोइंग के दौरान बहुत ब्रीफ टाइम के लिए शॉर्टली जो है ना स्वेलोइंग के दौरान स्टॉप होती है, तो आपको पता है एपिग्लॉटिस का। अच्छा जी, अब अगर स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली टीथ्स को देखा जाए इंडिविजुअल्स के अंदर, तो वो उनके लाइफस्टाइल को डिटरमिन करते हैं, और रेप्टाइल्स के अंदर जो टीथ हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, कॉनिकल होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं आपके पास होमोडोंट कंडीशन। मैमल्स के अंदर कंडीशन थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है, टीथ स्पेशलाइज होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, इस कंडीशन को हम हेट्रोडोंट कंडीशन कहते हैं। और रेप्टाइल्स के अंदर जो टीथ होते हैं वो अटैच होते हैं ऑन द टॉप और द इन साइड ऑफ द जॉ, जबकि मैमल्स के अंदर जो टीथ होते हैं वो जॉज इन द सॉकेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। मैमल्स के अंदर जो है आपके पास दो सेट ऑफ टीथ्स होते हैं, टू सेट ऑफ टीथ्स, एक तो फौरन से पैदाइश के बाद ही जो है निकल आते हैं जिनको हम डिसीडियस या मिल्क टीथ कहते हैं, दूसरे जो होते हैं जैसे ही डिसीडियस या मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो फिर उनको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम काइंड्स ऑफ टीथ की बात करें, ऊपर सेट्स थे, ठीक है, सेट्स ऑफ टीथ, काइंड्स ऑफ टीथ में ये मिल्क टीथ और ये परमानेंट टीथ नहीं आएंगे, वो सेट्स का जिक्र है। काइंड्स ऑफ टीथ जो आपके पास होंगे वो यहाँ पे फोर हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पे आप देख लें इंसीजर्स। इंसीजर्स जो हैं ये फ्रंट की टीथ होते हैं आपके एंटीरियर, ठीक है, सामने के एंटीरियर टीथ जो होते हैं जॉ में, और ये यूजली चिजल लाइक होते हैं, ग्रोइंग एंड निपिंग काटने वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आ जाते हैं बेटे कैनाइंस। कैनाइंस जो होते हैं लंबे होते हैं, स्टाउट होते हैं, कॉनिकल होते हैं, ये आपके पास कैचिंग, किलिंग, टीरिंग, फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन और कैनाइंस जो है आपके पास और इंसीजर दोनों की एक रूट होती है, यानी एक ही जड़ होती है जिससे वो जबड़े में जॉ में अटैच होते हैं। फिर आपके पास बेटे आ जाते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो आपके पास होते हैं इनकी पोजीशन कैनाइन के बाद आती है, यानी सबसे पहले इंसीजर, साइड पे कैनाइंस और उसके पीछे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की एक या दो रूट्स हो सकती हैं, और इनके जो सर्फेसेस होते हैं वो थोड़े से चौड़े से होते हैं, च्यूइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन आपके पास आ जाती है मोलर्स। मोलर्स जो हैं इनका प्रीमोलर से भी ज़्यादा ब्रॉड च्यूइंग सर्फेसेस होते हैं, और अपर मोलर की अगर बात करें, ऊपर वाले जबड़े की मोलर्स की बात करें, तो उनके अंदर आपके पास दो रूट्स होंगी, जबकि अगर लोअर मोलर्स की बात करें तो उनके अंदर तीन रूट्स हो सकती हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैमल स्पीशीज़ जो हैं, हर एक स्पीशी का करेक्टरिस्टिक नंबर होता है काइंड ऑफ एडल्ट टूथ के हवाले से, दांतों के हवाले से, जिसको हम उसका डेंटल फार्मूला कहते हैं। डेंटल फार्मूला यूज़ होता है टू करेक्टराइज अ पर्टिकुलर टैक्सा, ठीक है, एक जो ग्रुप है उसको पर्टिकुलरली वो एक्सप्लेन करता है कि उसके अंदर इतने सेट ऑफ इतना जो आपके पास नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ टीथ मौजूद होंगे, यानी कि डेंटल फार्मूला उसका फिक्स होगा। तो बेसिकली डेंटल फार्मूला क्या है, इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टीथ ऑफ ईच काइंड इन वन हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। तो जो आपके पास टीथ होते हैं अपर जॉ के वो लिस्टेड होते हैं ऊपर, ठीक है, जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, और जो लोअर जॉ के उसको नीचे लिखेंगे, और इसकी तरतीब ऐसी होगी कि पहले हम इंसीजर लिखेंगे, फिर कैनाइन लिखेंगे, फिर हम मोलर्स लिखेंगे, प्री मोलर्स लिखेंगे, फिर मोलर्स लिखेंगे। ये नीचे आपको एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं ह्यूमन की, 2, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 1, 2, 3, ऐसे बीवर की है 1, 0, 1, 3, 1, 0, 1, 3। तो ऊपर जो है ना, यानी कि आप समझ लें कि आपके जो जबड़े हैं दोनों जॉज हैं उनको 400 में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला हिस्सा उसके दो पार्ट, नीचे वाला हिस्सा उसके दो पार्ट, और एक एक पार्ट जो है हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह मैं आपको कुछ ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ,
इसको हम कलर कर देते हैं डिफरेंट ताकि आइडेंटिफाई कर सकें हम। ठीक है जी, अब ये आप देखें ये इसका किस तरीके से डायरेक्शन जा रही है। सबसे पहले तो ये आप देखें ऊपर वाले जबड़े के दो पार्ट्स मैंने शो किए हैं, ऐसे नीचे वाले जबड़े के भी होंगे, नीचे वाले जॉ के भी होंगे। ठीक है, तो एक पार्ट सिर्फ जो है जो मैंने बनाया ड्रॉ किया वो सिर्फ फॉर्मूला में लिखा जाएगा। सबसे पहले ये आप देखें ये इंसीजर्स हैं जो स्काई ब्लू कलर के हैं, जो नेवी ब्लू कलर है वो कैनाइंस हैं, और जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है पर्पल पिंक कलर का वो आपके पास प्री मोलर्स हैं, और जो पैलेट ग्रीन कलर है ये आपके पास मोलर्स हैं। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखें कि स्काई ब्लू कलर के कितने हैं, दो दो आपके पास है, एक हाफ के अंदर इंसीजर्स हैं ह्यूमंस के, और फिर एक के नाइन है, फिर आगे दो देखें पर्पल कलर की क्या है आपके पास प्री मोलर्स हैं, और थ्री के आपके पास मोलर्स हैं। इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें टोटल ओवरऑल, तो ऊपर वाले जबड़े में आपके पास हाफ में एट होंगे, और दोनों साइड में अगर इसको कवर करें तो वो 16 बन जाते हैं, नीचे भी 16 बन जाते हैं, टोटल ओवरऑल 32 दांत जो इंसान के होते हैं। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेमेनियन टीथ जो होते हैं उसकी डेंटिशन होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है फॉर देयर पर्टिकुलर डाइट्स। फॉर एग्जांपल कुछ मैमल्स के अंदर ये डेंटिशन इतनी रिड्यूस हो जाती है, सम टाइम लगता है कि उनके अंदर कोई दांत ही नहीं है या नहीं भी होते। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसमें आर्मेडिलोज़ की है या जॉइंट एंट ईटर की है, जो कि टर्माइट्स और एंट्स वगैरह को खाते हैं, तो उसके लिए टीथ बहुत रिड्यूस हैं, उनको टीथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ मैमल्स जैसे इंसानों में या पिग्स वगैरह जो होती हैं या फिर ऑर्डर एचियो डेक्टाइला जो है उसके अंदर आपको पता ही ज़्यादातर ओमनीवोर्स होते हैं, तो ओमनीवोर्स जो है तकरीबन तमाम तरह की डाइट खा रहे, तो मुख्तलिफ तरह की, तो उनकी जो फीड होती है वो प्लांट पे भी मुश्तमिल होती है और एनिमल पे भी मुश्तमिल हो रही होती है। तो इसीलिए इनके अंदर जो इंटीरियर टीथ होते हैं वो शार्प और रिपिंग एंड पारिसिंग सर्फेस रखते हैं, जबकि पोस्टीरियर टीथ जो होते हैं फ्लैटेंड होते हैं ग्राइंडिंग सर्फेस फॉर रपचरिंग ऑफ दी प्लांट्स एंड वॉल्स। ऐसे ही आपके पास कुछ मेमल्स हैं जो डायरेक्ट सिर्फ ईट करते हैं प्लांट्स को, ठीक है प्लांट मटेरियल को खाते हैं, उनके फ्लैट ग्राइंडिंग और पोस्टीरियर टीथ आपके पास होते हैं, और इंसीजर्स जो हैं सम टाइम जो हैं उनके अंदर होती हैं, और सॉरी इंसीजर्स होती हैं, और सम टाइम जो उनके कैनाइन जो वो मॉडिफाई होते हैं फॉर निपिंग द प्लांट मैटर लाइक हॉर्सेस या फिर आपके पास डीप वगैरह। देन नॉइंग वगैरह होती है आपके पास रैबिट्स वगैरह में, और रोडेंट्स के अंदर जो आपके पास इंसीजर्स होते हैं वो पूरी ज़िंदगी ग्रो करते रहते हैं, और बाकी जरा मैमल्स के अंदर एनामल पूरी दांतों को कवर करता है, लेकिन रोडेंट्स के अंदर जो है एनामल सिर्फ जो फ्रंट के दांत होते हैं इंसीजर्स उनकी बाहर वाली सरफेस की तरह ऊपर होता है, और टीथ जो है ज़्यादातर वो शार्प तेज़ रखे जाते हैं बाय स्लोअर वियरिंग इन फ्रंट देन इन बैक, और गैप जो होता है वो डाइस्टिमा पहले पढ़ाया था आपको, सेपरेट करता है इंटीरियर फूड प्रोक्यूरिंग टीथ को फ्रॉम पोस्टीरियर ग्राइंडिंग टीथ, और डाइस्टिमा रिजल्ट है फ्रॉम द इलॉन्गेशन ऑफ द स्नाउट, यानी मूल लंबूतर होते हैं उसकी वजह से डाइस्टिमा बनता है। इंटीरियर टीथ जो होते हैं वो आपके पास वो फूड की तरफ या ग्राउंड की तरफ ईजीली चले जाते हैं, इसकी वजह से फूड को कैप्चर करने में आसानी होती है, और पोस्टीरियर टीथ जो है उनके हाई एक्सपोज सर्फेसेज होते हैं क्राउन वगैरह होते हैं, और उनकी कंटिन्यूस ग्रोथ होती है जो कि अलाउ करती है टीथ को कि वो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ ग्राइंडिंग टफ वेजिटेशन को सरवाइव कर सकें। जी इसके अलावा प्रेडेटरी मैमल्स जो होते हैं उनकी कैनाइंस और इंसीजर्स जो होती हैं वो कैचिंग किलिंग और टीयरिंग फाड़ने वगैरह चीरने फाड़ने के लिए प्रे को इस्तेमाल होती हैं, और जैसे कार्निवोरा के मेम्बर जिसमें आपके पास डॉग्स एंड कैट्स आ जाते हैं, इनके अंदर जो फोर्थ अपर प्री मोलर्स होती हैं और फर्स्ट लोअर जो मोलर्स होती हैं वो सीजर लाइक शेयरिंग सरफेस बनाती हैं जिनको हम कार्नेशियल अपरेटस कहते हैं। ठीक है, तो कार्नेशियल अपरेटस जो है बेटे वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दैट इज़ यूज फॉर कटिंग द फ्लश फ्रॉम द प्रे। तो यहाँ पर आप इनके इंसीजर्स और आपके पास कैनाइंस बेसिकली इनके कैनाइंस बहुत तेज़ होते हैं, तो कैनाइंस और इंसीजर्स के साथ जो इनके अपर प्री मोलर्स होते हैं अपर प्री मोलर्स यस एंड फर्स्ट लोअर मोलर्स, ठीक है, इनके अंदर सीजर लाइक काटने की सर्फेसिस की तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम कार्नेशियल अपरेटस कहते हैं। तो कार्नेशियल अपरेटस भी से पूछ लिया जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फिगर। फिगर 22.9 में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हार्ड पैलेट भी नज़र आ रहा है और सॉफ्ट पैलेट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और स्वेलिंग के दौरान जो है एपिग्लॉटिस जो है क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है
वो मोमेंटरली होता है जब स्वेलो उस एरिया से स्वेलो होगा तो मोमेंटरली आपके पास एपिग्लोटस ट्रेकियल एंडिंग को क्लोज कर देगा ताकि फूड पार्टिकल उसमें ना जा पाए। अच्छा जी, अब दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं इसमें आपको डायस्टीमा शो किया गया है और आपने देखा था कि समवट इलोंगेटेड स्कल हो जाता है जिसकी वजह से ये जो फ्रंट की टीथ होते हैं ये आपको पता है फूड कैप्चरिंग रिसोर्स तक पहुंचने के लिए यूज़ होते हैं, टेयरिंग के लिए, कटिंग के लिए, और ये जो बैक एंड के जो टीथ होते हैं ये आपके पास ग्राइंडिंग टीथ होते हैं बेसिकली, और उसके दरमियान जो स्पेस आप देख सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड डायस्टीमा। जी नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। वर्टिब्रल कॉलम जो है मेमल्स का वो डिवाइड होता है 5 रीजन्स में, जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स में है, फर्स्ट टू तो हमें पता है सर्वाइकल वर्टिब्री है, एटलस एंड एक्सिस, और इसके अलावा एक और रीजन भी है मज़ीद इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रीज भी हैं सेकेंड जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगी थर्ड नंबर पे, दैट इज़ वो अब नंबर्स का वेरी कर सकता है। ठीक है, अब वो जो हो सकती हैं आपके पास जिराफ और वेल के अंदर का आप चेक करें तो 7 तक हो सकती हैं, जबकि जिराफ में वो एलोंगेट होती हैं और वेल में वो कंप्रेस होती हैं, या आप देख सकते हो ट्री स्लॉट्स के अंदर वो 6 या 9 तक भी जा सकती हैं, और मैनाटी के अंदर अगर आप देखें तो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं। इसके बाद ट्रंक को अगर देखें तो ट्रंक जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है थोरेसिक एंड लंबर, जैसे बर्ड्स में होता है, और मैमल्स के अंदर ये जो डिवीजन है एक और रिलेट करती है विद दैट ऑफ द मेथड ऑफ द ब्रीदिंग, क्योंकि थ्रेसिक रीजन के साथ रिब्स अटैच होती हैं और जो रिब्स होती हैं वो थ्रेसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच हैं, और सामने से आपको पता ही है कि स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं वाया कोस्टल कार्टिलेज या फिर वो फ्लोटिंग रिब्स के तौर पर भी हो सकती हैं, सिर्फ थ्रेसिक वर्टिब्रे के साथ भी अटैच हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को, लंग को, ये भी हमें पता है। आर्टिकुलेशन जो होती है थ्रेसिक वर्टिब्रे की वो उसको प्रोवाइड करती है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि टर्निंग में, क्लिम्बिंग में, लाइंग में, साइड टू साइड सकलिंग में हेल्प करती है, और जो लंबर वर्टिब्रेज होती हैं उनकी प्रोसेस जो होते हैं वो इंटरलॉकिंग होते हैं जो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, लिटिल फ्रीडम होती है मूवमेंट की वहाँ पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है मैमल्स का वो चूँकि रोटेट करता है अंडर द बॉडी, तो अपेंडिजेस जो होते हैं वो डायरेक्टली बीनीथ द बॉडी आपको मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जॉइंट्स जो होते हैं वो लिमिट करते हैं इनकी मूवमेंट को अपेंडिजेस की, सिर्फ सिंगल एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में या फिर टिप्स ऑफ द अपेंडिजेस को एक लॉन्ग आर्क में वो सिर्फ मूव कर सकें, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ मूव करने की परमिशन देते हैं जॉइंट्स। और जो बोन्स होती हैं आपके पास पेल्विक गर्डल की वो फ्यूज़ होती हैं एडल्ट्स में, और ये लोकोमोशन में तो आपको ये हेल्प आउट करती है ये कंडीशन, लेकिन जो है जब बर्थ का प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पता है ये बच्चे पैदा करते हैं मैमल्स, तो उस दौरान फिर प्रॉब्लम होती है क्योंकि फ्यूज बोन होती है, तो जो बेबी ने पास ऑन करना होता है तो वो इजीली पास ऑन नहीं हो सकता। फिर उस टाइम क्या होता है कि जो प्रेगनेंट फीमेल्स होती हैं उनका जो वेंट्रल जॉइंट होता है बिटवीन दी हाफ्स ऑफ द पेल्विस, जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, वो लूज़ हो जाता है बर्थ से थोड़ा टाइम पहले, ठीक है, और जिसकी वजह से वो पेल्विस जो है स्प्रेड हो जाता है ताकि बच्चे की पैदाइश ईजी हो सके, ठीक है, बेबी डिलीवरी ईजी हो सके, तो ये जो है प्रोसेस ये यहाँ पे एक मौजूद है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी मसल्स। अब जो अपेंडिजेस होते हैं वो डायरेक्टली बीनीथ द बॉडी होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में जो स्केलेटन होता है उसी तकरीबन बॉडी का वजन थोड़ा उठाना होता है, ठीक है। अब जो मसल मास होती है वो कंसंट्रेटेड होती है अपर अपेंडिजेस और गर्डल्स में, और जो बहुत से रनिंग मैमल्स होते हैं लाइक डियर हो गया, उसके अंदर लिटिल मसल होते हैं इन लोअर लेग, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है लेग मूवमेंट स्लो डाउन हो जाए, लेकिन इसकी बजाय अल्लाह ताला ने वहाँ पे टेंडन्स पैदा फरमाए हैं, और जो कि रन होते हैं फ्रॉम मसल्स, वहाँ एरिया जहाँ पे मसल ज़्यादा हैं वहाँ से और लेग के अंदर नीचे लोअर जॉइंट्स तक जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे मूवमेंट कॉज होगी, ठीक है, लोअर जॉइंट्स में, तो वो रनिंग में जो है ना स्लोनेस नहीं आएगी इस वजह से। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।